वेलकम बैक टू माय चैनल टेकग्राफर। सो गाइस, ये है आईफोन 15 प्लस एंड यहाँ पर मैं आज 8 रीज़न बताऊंगा कि व्हाई यू शुड चूज़ आईफोन 15 प्लस रादर देन आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द बैटरी, जो आईफोन 15 प्लस का सबसे मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर है, इसमें आपको 4437 mAh का बैटरी मिलता है, जो आपको आईफोन 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स और यहाँ पर आईफोन 15 का जो बेस मॉडल है, ये तीनों मॉडल से सबसे ज़्यादा है। और एट द सेम टाइम यहाँ पर सिर्फ इमेज से बढ़ोतरी नहीं है, इसमें आपको बैटरी बैकअप में बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। आप सपोज आप 24 आवर्स में 2 to 3 आवर्स तक BGMI खेलते हो या फिर मोर देन 1 आवर का आप यहाँ पर कैमरा यूज़ करते हो, इन दैट सिनेरियो ऑल्सो आपको ईजिली 1 day ऑफ यूज जो है बैटरी बैकअप मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर कैमरा में, आपको आईफोन 15 में बहुत सालों बाद जो बेस मॉडल है खासकर 15 या 15 प्लस, इसमें आपको अपग्रेडेड सेंसर मिलता है जो कि 48 MP का। पहले सभी आईफोन्स में आपको 12 MP का कैमरा मिलता था, बट नाउ इन आईफोन 15 आपको 48 MP का कैमरा मिलता है, जो कि अगेन ए वन ऑफ द बेस्ट फीचर है, क्योंकि इसमें आपको 48 MP होने की वजह से आपका जो है 2x ऑप्टिकल आपका जूम है वो मिल जाता है, जो कि आपको पिक्सल बाइनिंग के थ्रू आपको मिलता है 48 MP को। एंड यहाँ पर बात करें मैं कैमरा क्वालिटी का, तो गाइस बिलीव मी पहले से यानी आईफोन 15 14 या फिर आईफोन 13 सभी के डिवाइस से यहाँ पर आईफोन 15 या 15 प्लस का जो मेन जो कैमरा है उसका जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत सही है, ऑब्वियसली ड्यू टू इंक्रीजिंग द मेगापिक्सल। एट द सेम टाइम यहाँ पर जो इंटरनल जो सेंसर है उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है। बात कर सेल्फी में, तो अगेन यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट सेल्फी आपको मिल सकता है किसी भी कैमरा के रेंज में। सो इन टर्म्स ऑफ कैमरा आईफोन 15 प्लस या फिर आईफोन 15 में आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाला है कंपेयर टू आईफोन 15 प्रो एंड प्रो मैक्स। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस, तो गाइस पिछले साल का आईफोन 14 प्रो एंड प्रो मैक्स में जो आपको यहाँ पर चिपसेट मिलता था, जो कि A16 बायोनिक चिपसेट, ये एप्पल का खुद का चिपसेट है, वही सेम चिपसेट आपको दिया गया है आईफोन 15 एंड 15 प्लस में। सो कुछ भी आप काम करो, वेदर यू आर प्लेइंग एनी गेम और यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर एप्लीकेशन थ्रू आउट द डे, कोई भी किसी भी तरीके का जटरनेस या फिर लैग इशू इस टाइप का कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आप कुछ भी काम करो, आपका आईफोन 15 प्लस में जो है फ्लॉलेस भी वो काम आपको कर जाएगा पूरा दिन भर। और मुझे ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस रिलेटेड आईफोन 15 प्रो या फिर प्रो मैक्स लेने का जरूरत नहीं है, इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो आईफोन 15 प्लस वन ऑफ द बेस्ट है। नेक्स्ट रीजन है डिस्प्ले। आईफोन 15 प्लस में आपको 6.7 इंचेस का एक सुपर रेटिना आपको XDR OLED आपको पैनल मिल जाता है, जो कि अगेन यहाँ पर बहुत ही शार्पनेस, बहुत ही कंट्रास्ट एंड यहाँ पर जो कलर एक्यूरेसी रेट है वो आईफोन के सबसे एक्यूरेट होता है। सब कुछ भी आप चाहे भले यहाँ पर आप मूवीज़ देखो या फिर कुछ भी आप मीडिया कंज्यूम करो, यहाँ पर यूट्यूब चलाओ, आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है ये वन ऑफ द बेस्ट मिलने वाला है। सो मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले ऑल्सो आईफोन 15 प्लस वन ऑफ द बेस्ट रीजन टू परचेस होगा। सो नेक्स्ट रीजन इज टाइप सी पोर्ट। तो आईफोन में फर्स्ट टाइम यहाँ पर यूज़ किया गया है आपका टाइप सी पोर्ट, जो कि अगेन वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फीचर है इन नाउ डे टू डे लाइफ इन टूडेज वर्ल्ड, क्योंकि एंड्रॉयड में टाइप सी बहुत सालों से यूज़ हो रहा है और फर्स्ट टाइम ये आईफोन के लिए जहाँ पर टाइप सी यूज़ किया गया है। टाइप सी होने की वजह से आप कोई भी कीबोर्ड, कोई भी माउस या फिर किसी भी तरीके का चार्जर जो है टाइप सी का वो आप यूज़ कर सकते हो, एंड टाइप सी हर एक के फ़ोन में होता है, तो एक ही चार्जर जो है आप आईफोन में भी और एंड्रॉयड में भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट रीज़न है डायनेमिक आइलैंड। एप्पल ने अपने पिछले साल जो आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स था उनमें यह डायनेमिक आइलैंड मिलता था, पर अभी एप्पल ने यहाँ पर जो बेस मॉडल है 15 या 15 प्लस इन डिवाइस के लिए भी डायनेमिक आइलैंड दिया गया है। एंड इसका जो यूज़फुल मैं फीचर बताऊँ तो गाइज कुछ हद तक ये यूज़फुल है, बट अगेन कुछ हद तक ये थोड़ा सा गिमिक लगता है, काइंड ऑफ नॉच लगता है, बट जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है आपका जो एस्थेटिक वाइज जो फील होगा वो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एप्पल ने अगेन बहुत सालों बाद डिज़ाइन में कुछ चेंजेस लाया है। सो दिस इज़ ऑल्सो ए वन ऑफ द रीज़न टू बाई या फिर टू परचेज द आईफोन 15 एंड 15 प्लस। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है मैट बैक फिनिश। यहाँ पर आपको बहुत सालों बाद एप्पल ने जो पीछे का जो एरिया है बेस मॉडल के लिए यहाँ पर मैट फिनिश दिया गया है, एंड ये देखने में गाइज बहुत ही अच्छा लगता है। जो मैं पहले बता रहा था कि डायनेमिक एलिमेंट को लेकर उसमें आपको एस्थेटिक वाइज चेंज मिलता है, एट द सेम टाइम इसमें भी आपको पीछे की तरह मैट होने से आपका हाथ में पकड़ने में, ग्रिप होने में और देखने में उतना शाइनी नहीं लगता है, आपको ठीक ठाक अच्छा सा एक क्लासिक लुक मिलता है। सो दिस कुड बी ऑल्सो ए रीजन टू परचेज द आईफोन 15 एंड 15 प्लस। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं कैमरा सेक्शन में बताया था वो गाइस 2x ऑप्टिकल कैमरा। इसमें आपको 48 MP होने की वजह से आपका जो कैमरा का जो लेआउट है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। यूजिंग 2 कैमरा यू आर यूजिंग 3 कैमरा, क्योंकि इसमें आपको 48 MP कैमरा दिया गया है, उसी के पिक्सल बाइनिंग की मदद से आपको 2x ऑप्टिकल जूम मिलता है, जो कि अगेन आपको
अब दूर का जो कुछ आपको खींचना चाहते हो फोटो, वो आपको बहुत ही सही से मिल जाता है। पहले आपको किसी भी तरीके का ऑप्टिकल जूम नहीं मिलता था, सिंपली डिजिटल था। बट नाउ इन आईफोन 15 एंड 15 प्लस जो बेस मॉडल है उसमें भी आपको 2x ऑप्टिकल जो जूम है वो आपको मिल जाता है। सो दीज आर द 8 फीचर या फिर 8 की रीजन फॉर विच यू शुड और यू मस्ट बाई आईफोन 15 और 15 प्लस। बेसिकली आई विल सजेस्ट कि आप आईफोन 15 प्लस के लिए जाए, क्योंकि यहाँ पर जो दो कारण है, डिस्प्ले और बैटरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। कोई भी क्वेरीज हो या फिर कोई भी आपको कुछ जानना है तो गाइज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मेरे चैनल नए हो तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइए। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड स्टे सेफ।